वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हमने V6 इंटरकॉम मंगा है। हमने मतलब हमारे पास है विक्रम भाई, लाओ इसको मुझे दे, आ जाओ। हेलो, हाय। तो हमने V6 इंटरकॉम मंगाया है, दो मंगाए हैं, एक मेरे लिए और एक इनके लिए। तो फटाफट जाते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कंटेंट में क्या है, ठीक है ना? ठीक है, चलो। ओके, सो दिस इज द बॉक्स और इसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया क्योंकि अली एक्सप्रेस से थोड़ा देखना पड़ता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है कि नहीं। ओके, तो इसको खोलते हैं। तो ये है Vnetphone से V6, क्या 1200 मीटर की रेंज वाला इंटरकॉम है और बस यही है। और ये दो इंटरकॉम का बॉक्स है तो इतना बड़ा आता है, नॉर्मल तो इतना ही आता है, ठीक है। फिर या थैंक यू, देन इसका यूज़र मैनुअल है, फिर दो इंटरकॉम्स है आप देख सकते हैं। इसको रखते हैं साइड में और इसके अंदर क्या मिलता है। ओके, तो चार्जिंग केबल्स है, 3.5 mm वाले हैं। फिर माइक और दो स्पीकर हेलमेट के लिए। फिर ये क्लैंप माउंट हेलमेट के साथ अटैच करने के लिए। फिर दूसरा एक माइक और स्पीकर, दो इंटरकॉम है इसलिए। दूसरी क्लिप और ये एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं इसको, स्टिकर्स अंदर लगाने के लिए स्पीकर को। और ये एलन की और कुछ स्क्रू। तो ये है इंटरकॉम, तो यहाँ पे लिखा है 6 riders Vnetphone। ओके, और यह इसका एंटीना, कॉल रिसीव और कट करने का बटन, देन दूसरे राइडर से कनेक्ट होने का बटन, देन 1 2 3 4 है यहाँ पे। फिर वॉल्यूम प्लस माइनस। ओके, ये स्क्रू अटैचमेंट, स्क्रू नहीं क्लिप अटैचमेंट। देन ये है 3.5 mm जैक जो कि चार्जिंग भी होता है और माइक भी कनेक्ट होता है। ये यहाँ पे जाएगा और ये जाएगा हेलमेट के अंदर। ओके, तो अभी हम जाते हैं नीचे, यहाँ पे हम टेरिस पे है अभी फिलहाल, तो और जाके हेलमेट पे अटैच करते हैं। चलो, बस बस भाई छोड़ो अभी। सो ये सेटअप, अभी हम लोग हेलमेट के ऊपर माउंट करेंगे इसे। इंटरकॉम ये प्लग है, ये एक्स्ट्रा माउंट्स है इसके अंदर फेस करने के लिए। और ये माइक है, एलन की और कुछ स्क्रू है। तो अभी हम पहले मंथन भाई के हेलमेट के ऊपर इसे माउंट कर लेते हैं, इसके ऊपर, फिर उसके बाद मेरी बारी। सो दिस इज माय हेलमेट एज यू कैन सी। और इसको क्लिप को लगाने के लिए आपको ये पेडिंग हटाना पड़ेगा पहले ऐसे, फिर क्लिप जाएगा ऐसे अंदर ये ऐसे। और ये टाइट है, वैसे टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसके ऊपर आएगा ये इंटरकॉम, कैसे आएगा, आ गया देखो। अब इसको टाइट करना बाकी है, बस ऐसे ही है रो में, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अभी ये अभी है स्पीकर और ओके, ये एक लेफ्ट साइड का है एक राइट का है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। और इसको हम लेफ्ट में रखेंगे तो यहाँ से ये माइक ऐसे लेफ्ट से आएगा, ठीक है। इन माई हेलमेट देर इज अ गैप फ्रॉम वेयर यू कैन इंसर्ट दिस थिंग। और कई हेलमेट में नहीं होता तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कहाँ, मतलब आपके ईयर्स कहाँ पे आ रहा है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। एज यू कैन सी दोनों साइड हमने फिट कर दिया, ये एक साइड ये एक साइड ये, और ये वायर यहाँ पे आएगा माइक ऐसे। ओके, अभी पैडिंग से होके अंदर से लेना है, पर अभी टेम्पररी ऐसे ही डाला है। तो अभी भाई के स्टील बड में हम फिट कर रहे हैं अभी, और इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि जगह नहीं है स्पीकर को फिट करने की, जैसे मेरे में है। तो माइनस पॉइंट है ये स्टील बड का। ये माइनस पॉइंट है, कुत्ता कुत्ता तो जुगाड़ करना पड़ेगा। आज तो मैं चलाऊंगा एक्टिवा, मेरी बाइक चला लो ना ऐसा तो। नहीं नहीं भाई, अभी रिंग रोड पे जाते हैं बराबर। हाँ, रिंग रोड।
मैं टेस्टिंग एरिया वही है वहाँ पे जाके टेस्ट करता हूँ, जो भी माइक टेस्ट करना हो, क्वालिटी ऑडियो वीडियो जो भी हो। अभी अपनी एक्टिवा 60 से ऊपर नहीं आएगी ये। सो अभी हम जा रहे हैं रिंग रोड की तरफ और चेक करेंगे इसकी क्वालिटी की, रेंज कितनी है, ऑडियो कब तक सही से रहता है। ओके, और ये यहाँ से जाना तो पड़ेगा अभी ऐसे रोड से। गाय माता, आज शिवरात्रि है ना? शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि। जय बोले ये हैप्पी नहीं बोलने का, जय बोले या बींग देसी। और अभी जाओ आप आगे, बराबर लेफ्ट साइड रहना। विक्रम भाई है आगे RTR 180 लेके, आपको दिख रहा होगा वाइट शर्ट में। ओके, तो डिस्टेंस कुछ होगा 400 मीटर जैसा, क्या किलोमीटर, 400 मीटर जैसा। अभी आप भगाओ थोड़ी, आगे जाओ। ठीक है, अभी और भी आगे जाओ भाई, आवाज़ कटने लगे ना तभी स्लो करना। आवाज तो नहीं कट रही है अभी, तो बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है इसकी। हाँ अभी क्लियर आवाज है, जैसे आवाज आ रही है परफेक्टली। पवन अल्फा वन, ये हाँ अभी कटी। अब थोड़ी सी कटी और, हाँ ये 1000 मीटर हो गया होगा। हेलो, कट हो गया, मेरे को अभी भगानी पड़ेगी। हाँ अभी आई ना। जनरली हमारे पास एक ही बाइक है, मतलब 160-180 पर अपाचे है, तो स्पीड ऑलमोस्ट सेम रहती है 80-85-90, तो डिस्टेंस तो उतना रहेगा नहीं, 1 किलोमीटर तो कभी भी नहीं होगा बराबर। नॉर्मली 500-600 मीटर, 800 मीटर मैक्स के उतने में तो ये क्वालिटी बेस्ट है ऑडियो की। और ऑप्टिकल्स की बात करें तो बीच में आप देख रहे हो अभी भी कितने सारे ट्रक्स है, बाइक्स है, बाइक्स है, ट्रक्स है बीच में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके बीच में आने से कनेक्शन कट जाए, सही है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। ये बैकग्राउंड में दिखाऊंगा। सो वी डन विद द टेस्टिंग ऑफ दिस इंटरकॉम, कैसा रहा आप बोलो? बेस्ट यार, बेस्ट है ना। 5000 की प्राइस में दो, वो भी हाँ बेस्ट है, ले लो आप। डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे बैंगूड, अली एक्सप्रेस या गेयर बेस्ट, कोई भी साइड हो वहाँ से ले लो, ले लो बेस्ट है। भले 500-600 रुपए अगर आपको ज्यादा भी लगते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि व्रत है 4000 तक तो इसका बनता है यार, एक सिंगल का भी, एक सिंगल का बोल रहा हूँ, सिंगल का भी बनता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने टेस्ट किया अच्छे से, सुपर्ब। हाँ 11000 मीटर के बाद थोड़ी आवाज कट रही है, बाकी सब सही है। ओके, और स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80-100 करो आवाज नहीं कटेगी। क्रूज करो आप कुछ भी करो, उसका कोई भी आपको बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। और बाकी सब बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप कर सकते हो, अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है, फिर और कुछ खत्म करते हैं यहीं पे। हाँ खत्म करते हैं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन का बटन आपको दिया हुआ है आपके राइट या लेफ्ट, जो भी साइड है रेड कलर का दबा दो, इन शॉर्ट दबा दो। और भाई का भी चैनल है RV मोटो ब्लॉग, उसको भी देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, राइट? ओके, पीस, बाय।